Aries and Capricorns. Aries, fire element, then Mars in Kilod, and Capricorn. Capricorn जो है अर्थ एलिमेंट है और इनके जो लॉर्ड हैं वो है सैटर्न, शनि महाराज. तो सोचिए कैसी होगी इनके बीच की कंपैटिबिलिटी. देखिए एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में तो कहा जाता है कि मंगल और शनि की बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि आपस में अगर ये साथ में हो जाए तो अंगारक योग बनाते हैं, यानी इनकी पटेगी नहीं, क्योंकि सैटर्न को मंगल के काम बिल्कुल पसंद नहीं आते. अब यहाँ पे जो है हमारे जो एरीज है फायर है, हाँ, और जो हमारे सैटर्न है वो अर्थ एलिमेंट है, और वैसे भी आप जानते ही हैं जो शनि है सैटर्न है वो न्याय के देवता है. ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. अब एरीज जो है उनको तो तड़ातड़ी फटाफट ऐसे 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 उनको रिजल्ट चाहिए, एक्शन चाहिए फटाफट, हाँ चाहिए तो फटाफट, ना भी चाहिए डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं. और जो सैटर्न है वो धीरे 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 हर चीज को सोच के समझ के उसका न्याय अन्याय सब अप्स एंड डाउन्स एंड इफ्स एंड बट्स सोच के फिर वो न्याय लेते हैं. बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत अंदर गूढ़ अंदर जाते हैं, फिर वो कोई सोचते हैं उसके बारे में. अब अगर एरीज कैप्रिकॉन्स हैं तो वो क्या है, कैसा रहेगा? एक को जल्दी रहेगी, एक को सोचना समझना रहेगा, तो कहीं ना कहीं नीरसता आ जाएगी. यानी एरीज हमेशा यही शिकायत करेंगे कि आपको तो बहुत टाइम लगता है, आप तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते. और जो कैप्रिकॉन्स हैं उनको ये शिकायत रहेगी एरीज से कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, आप जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करके काम खराब कर देते हैं. तो यहाँ पे एक जो है दोनों के बीच में कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होंगे और अंगारक होंगे, और मुझे बहुत ज्यादा पट्टा हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी रेट अच्छा नहीं दिख रहा मुझको. ठीक है, तो ये था हमारा एरीज और कैप्रिकॉन्स के लिए कंपैटिबिलिटी मीटर. एरीज एंड एक्वेरियस. एरीज फायर एलिमेंट एंड देन मार्स मंगल देवता इनके लॉर्ड. एक्वेरियस जो है ये शनि की दूसरी राशि है और इनका जो एलिमेंट है वो है एयर, हवा. ठीक है, अब जो हमारे एरीज हैं, आपको अब तक तो खूब अच्छे से पता चल गया होगा एरीज के बारे में किस तरह के होते हैं. करेजियस होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, फायरी होते हैं और क्विक डिसीजन होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ये सारी चीजें. मैं सारे वीडियोज में एरीज के बारे में तो बहुत ज्यादा ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया कि दोनों की कंपैटिबिलिटी रेट देखना है तो मैंने एरीज से स्टार्ट किया. तो बट होएगा, हम सब सब राशियों के लिए करेंगे, डोंट यू वरी. अब जो हमारे एक्वेरियंस हैं ये थोड़ा मस्त किस्म के हैं, ये थोड़ा मस्त किस्म के होते हैं, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, बहुत कूल टाइप्स के होते हैं और बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं. होते सैटर्न के हैं, सैटर्न ही इनके लॉर्ड है, बट कहा जाता है कि सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में आके बड़े आरामदायक सिचुएशन में आ जाते हैं, बड़े मस्त हो जाते हैं. तो जो है जो हमारे एक्वेरियंस हैं वो मंगल की बातों को बचपना समझते हैं, एक्वेरियंस एरीज की बातों को बचपना समझते हैं, इमेच्योर समझ के उसे माफ कर देते हैं, यानी वो ज्यादा सीरियस होते ही नहीं है. जैसे कैप्रिकॉर्न होता है ना, वैसे एक्वेरियंस जो है एरीज के साथ अगर उनकी कपल बना हुआ है तो वो ज्यादा उनके बारे में सोचते ही नहीं है, उनको बच्चों के जैसे समझते हैं, इमेच्योर समझते हैं, और इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का नीचे जो है वो बहुत मस्त मौला किस्म का होता है. वो ज्यादा चीजों को अगर हर्ट होते भी हैं तो वो उसको जल्दी उसके उसमें से निकल आते हैं, क्योंकि उनको खुश रहना पसंद है. ठीक है, तो ये है हमारे अगर हम देखें एरीज और एक्वेरियंस की, तो पट सकती है, हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं. ये तो अच्छा है जो एक्वेरियंस मस्त मोला होते हैं तो इसलिए पट जाएगी, नहीं तो अगर सिर्फ एरीज की चले तो फिर नहीं पटेगी.
फिर नहीं बटेगी, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और जो हमारे एक्वेरियंस हैं वो उसको हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही एरियंस निकल आए, बिल्कुल रिजिड वाले निकल आए, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये था हमारा, समझ के, कंपैटिबिलिटी मीटर। चलिए अब जानते हैं एरीज और पाइसेंस। एरीज फायर, मंगल मार्स, पाइसेंस वाटर जुपिटर। अब फायर एंड वाटर यहाँ पे भी ये सही नहीं चल रहा आपस में, और लॉर्ड्स भी देखें तो अगेन जुपिटर एंड मार्स, तो यहाँ पे भी ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली वाला नहीं हो सकता यहाँ पे भी। अगर एक का मन कर रहा होगा जी आज तो पार्टी करेंगे, आज तो बाहर का खाना खाएंगे, तो वही जो दूसरा है वो ठंडा कर देगा कि भी आज खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी खा लो। तो इस तरह का रहेगा, दोनों एक दूसरे की बात को मानेंगे नहीं। हाँ, जो पाइसेंस है, क्योंकि जुपिटर उनके लॉर्ड है, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उन्हीं की मानी जाए, वो अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में एरीज और जो है हमारे पाइसेंस जो है उनमें उतनी नहीं पड़ेगी। जो एरीज है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, और जो पाइसेंस है वो उतने रोमांटिक नहीं होते जितने की एरीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाली कंपैटिबिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता आपस में, ये कह सकते हैं। तो ये था हमारा। अगर आपको पसंद हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए, जनरल रीडिंग तो आप देखते ही होंगे, अगर आपको अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी के लिए आगे दीजिए, थैंक यू सो मच।